हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस प्रियंका। नाउ कम टू द टुडेज टॉपिक। आवर टुडेज टॉपिक इज जेंडर। आवर टुडेज टॉपिक इज जेंडर। इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द नाउन। अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नाउन पर डिस्कस किया था। नाउन क्या होती है, उसकी टाइप्स कितने हैं। सो इन दिस ऑर्डर टुडे वी स्टडी अबाउट जेंडर। जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। मेल और फीमेल। जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। इट मीन्स जेंडर आपका ये बताता है कि आप मेल से बिलोंग करते हो या फीमेल से बिलोंग करते हो। जेंडर क्या डिनोट करता है, क्या स्टेट दिखाता है आपकी, कि आप मेल हो या फीमेल हो। मेल या फीमेल हम लोग जानते हैं, मेल यानी कि जो स्त्री होती है, फीमेल यानी कि पुरुष। हिंदी में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो जहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, राधा इज कुकिंग द फूड, मोहन इज गोइंग टू आगरा। इनको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, राधा भोजन पका रही है एंड मोहन आगरा जा रहा है। तो यहाँ पे राधा और जो मोहन है वो क्या डिनोट कर रहे हैं, राधा आपकी फीमेल होती है और मोहन आपका मेल होता है, ये आप लोग जानते हो। राधा आपकी गर्ल है और मोहन आपका बॉय है। तो ये जो दो नाउन्स हैं वो हमें क्या डिनोट करा रहे हैं, वो हमें क्या दिखा रहे हैं, वो हमें ये स्टेट करा रहे हैं कि गर्ल और बॉय, यानी कि यहाँ पे गर्ल और बॉय की बात हो रही है। इट मीन्स यहाँ पर मेल फीमेल की बात हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, जेंडर। ये जो नाउन वर्ड्स आपके राधा और मोहन है, ये किस जेंडर में आएंगे, इसी की बात हो रही है ना। तो जेंडर हमें क्या बताता है कि जो नाउन वर्ड्स है वो मेल है फीमेल है, इसी से हमें पता चलता है जेंडर के बारे में। तो जेंडर के द्वारा ही हम नाउन को क्लासीफाई करते हैं। इट इज क्लियर, ओके। नाउ कम दिस टॉपिक, टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर के टाइप्स कितने हैं, तो जेंडर के आपके फोर टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड वन इज फेमिनिन जेंडर, थर्ड वन इज कॉमन जेंडर एंड लास्ट वन इज न्यूटन जेंडर। कितने हो गए आपके टाइप्स, फोर टाइप्स होते हैं जेंडर के। फर्स्ट है आपका मैस्कुलिन, सेकंड है आपका फेमिनिन जेंडर, थर्ड है आपका कॉमन जेंडर एंड फोर है आपका न्यूट्रल जेंडर। इंग्लिश में आपको चार जेंडर पढ़ने हैं, हिंदी में सिर्फ आपके टू जेंडर होते हैं। इज दैट क्लियर। तो ये डिफरेंस होता है, हिंदी में केवल टू पढ़ने होते हैं लेकिन इंग्लिश में आपको फोर जेंडर पढ़ने होंगे। तो ये क्लासीफाई करते हैं नाउन को कि ये किस जेंडर में आएगा। तो पहले पढ़ते हैं अपना मैस्कुलिन जेंडर। ए नाउन दैट डिनोट्स अ मेल क्रिएचर इज सेड टू बी मैस्कुलिन जेंडर। यानी कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, ये हमें मेल क्रिएचर के बारे में डिनोट करता है, तो वो होता है आपका मैस्कुलिन जेंडर। सरल शब्दों में ये समझ सकते हैं कि जो जेंडर हमें मेल क्रिएचर के बारे में बताएगा वो आपका मैस्कुलिन जेंडर होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन, बॉय, ऑक्स, किंग, ये सारे नाउन वर्ड्स आपके मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे। फिर आपका फिर सेकंड है आपका फेमिनिन जेंडर। ए नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल क्रिएचर इज सेड टू बी फेमिनिन जेंडर। जैसे मैस्कुलिन जेंडर में मेल क्रिएचर के बारे में डिनोट होता है, वैसे ही फेमिनिन जेंडर में आपको फीमेल क्रिएचर के बारे में बताया जाता है, तो वो होता है आपका फेमिनिन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, कामनी, काउ, गर्ल, क्यून एट्सेट्रा। तो ये आपके जो नाउन वर्ड्स हैं वो किस में आएंगे, वो आएंगे आपके फेमिनिन जेंडर में। तो मैस्कुलिन जेंडर में क्या होता है, मेल क्रिएचर के बारे में बताते हैं और फेमिनिन जेंडर में फीमेल क्रिएचर के बारे में बताते हैं। अगर आपको मेल और फीमेल के बारे में पता होगा तो आप इजीली मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर में डिफरेंस निकाल सकेंगे। फिर आपका थर्ड जेंडर आता है कॉमन जेंडर। ए नाउन दैट डिनोट्स अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी कॉमन जेंडर। यानी कि जो जेंडर मेल और फीमेल दोनों के बारे में डिनोट करे वो होता है आपका कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे टीचर, टीचर जो होता है वो आपका मेल भी होता है फीमेल भी होता है। स्टूडेंट्स मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। गेस्ट यानी कि मेहमान,
ये मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। चाइल्ड यानी कि बच्चा, जब हम कोई चाइल्ड कहते हैं तो वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, यानी कि जो नाउन हमें मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताएं तो वो कौन से हो जाते हैं, कॉमन जेंडर हो जाते हैं। तो ए नाउन दैट डिनोट्स अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी कॉमन जेंडर। फिर आपका लास्ट जेंडर रहता है न्यूट्रल जेंडर। ए नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विच इज नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल इज सेड टू बी न्यूट्रल जेंडर। यानी कि जो नाउन्स आपके ना तो मेल है और ना ही फीमेल है तो वो आपके न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। इसका क्या हुआ? ए नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विच इज नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल इज सेड टू बी न्यूट्रल जेंडर। यानी कि जो नाउन वर्ड्स आपके ना तो मेल है ना फीमेल है तो वो किस में आएंगे? वो न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। और कॉमन जेंडर में क्या था? या तो वो मेल है या फिर फीमेल है, यानी कि दोनों में से कोई भी हो सकता है तो वो आपका कॉमन जेंडर में आएगा। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है यानी कि मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है तो वो आपका किस में आता है? न्यूट्रल जेंडर में आता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं आपका बुक, पेन, बस, रूम, ट्री, आंट, ये सब आपके हो जाते हैं न्यूट्रल जेंडर। यानी कि इनसे हमें पता नहीं चल रहा है ये फीमेल है या मेल है, तो जिनसे हमें ये क्लैरिफाई ना हो कि ये फीमेल में आएगा या मेल में आएगा तो वो आपके आते हैं न्यूट्रल जेंडर में। इज दैट क्लियर? तो हमने जेंडर के बारे में समझ लिया है कि जो मेल और फीमेल के बारे में बताते हैं वो जेंडर होते हैं। फोर टाइप्स के जेंडर हैं आपके। पहला है मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, तीसरा है आपका कॉमन जेंडर और फोर्थ है आपका न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में मेल को डिनोट होता है तो वो मैस्कुलिन जेंडर होता है। फॉर एग्जांपल आपका है बॉय, ऑक्स, किंग एक्सेट्रा। फेमिनिन जेंडर में ये फीमेल को डिनोट्स करता है, फीमेल नाउन वर्ड्स को, तो ये आपका फेमिनिन जेंडर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑक्स का जैसे काऊ ले लेते हैं, बॉय का गर्ल ले लेते हैं, किंग का क्वीन ले लेते हैं, तो ये आपके जो गर्ल हुआ, काऊ हुआ, क्वीन हुआ, ये सब आपके फेमिनिन जेंडर हो जाते हैं। फिर आपका आता है थर्ड जेंडर, कौन सा है? कॉमन जेंडर। यानी कॉमन पता चल रहा है, कॉमन यानी कि मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं तो वो आपका हो जाता है कॉमन जेंडर। और लास्ट में आपका बचता है न्यूट्रल जेंडर। इससे ये पता नहीं चल पाता है ये, मतलब ये मेल भी नहीं होते हैं फीमेल भी नहीं होते हैं, यानी कि ये कुछ अलग ही होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। अब आपके कुछ रूल्स हैं। किसके रूल्स हैं? मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज करने के रूल्स हैं, तो ये रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पहला रूल है बाई एडिंग अ स्लेबल, ई डबल एस। ई डबल एस एक स्लेबल होता है, इसको हम अगर मैस्कुलाइन जेंडर के नाउन वर्ड्स में एंड में हम जोड़ेंगे तो उससे हमें फेमिनिन जेंडर मिल जाएगा। लाइन आपका मैस्कुलिन जेंडर होता है, हमने इसमें ई डबल एस जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? लाइनस हो गया, तो ये आपका फेमिनिन जेंडर में हो जाएगा। फिर देखते हैं पोइट आपका मैस्कुलिन जेंडर होता है, इसमें हमने ई डबल एस जोड़ दिया है तो ये पोइटेस हो गया और पोइटेस आपका फेमिनिन जेंडर होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स और लिखे हुए हैं, जैसे हॉस्ट लिखा हुआ है, पैट्रॉन लिखा हुआ है, ऑथर लिखा हुआ है, प्रोफेट लिखा हुआ है। तो ये सारे जब मैस्कुलिन जेंडर है, जब हम इनमें ई डबल एस जोड़ देंगे तो ये सारे आपके फेमिनिन जेंडर बन जाएंगे। अब इसमें क्या लिखा है? इन द फॉलोइंग वर्ड्स ई डबल एस इज एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द वोवेल ऑफ द मैस्कुलिन एंडिंग। यानी कि कुछ मैस्कुलिन वर्ड्स में जब हम लोग स्लेबल ई डबल एस ऐड करेंगे तो उनके लास्ट वर्ड, लास्ट लेटर के पहले जो आपका वोवेल होगा वो एंड हो जाएगा, यानी कि वो खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक्टर में जब मैंने एक्ट्रेस लिखा है तो आर लेटर आपका लास्ट लेटर था, उसके पहले जो वोवेल था वो खत्म हो गया है, ACTRES। इज दैट क्लियर? ऐसा ही हुआ है सभी में, कुछ में नहीं भी होता है लेकिन अगर वोवेल है तो वो हट जाता है। फिर आपका सेकंड रूल आता है बाय यूजिंग इंटायरली डिफरेंट वर्ड, यानी कि
बिल्कुल डिफरेंट वर्ड को हम लोग ऐड करेंगे किसमें, मैस्कुलिन जेंडर में, तो वो आपके फेमिनिन जेंडर बन जाएंगी। तो जैसे पहला है आपका जेंटलमैन, जेंटलमैन आपका मैस्कुलिन है लेकिन इसका फेमिनिन क्या होगा, लेडी होगा। हमने बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट वर्ड, बिल्कुल डिफरेंट वर्ड हमने लिख दिया है, जेंटलमैन से कोई मैच नहीं कर रहा है, कोई भी लेटर मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इंटायरली डिफरेंट वर्ड। जैसे डॉग का बिच, हॉर्स का मेयर, जेंडर का गूस, अंकल का आंट, किंग का क्वीन, फॉक्स का विक्सिन, नेफ्यू का नीस, हस्बैंड का वाइफ। यानी कि ये सारे जो वर्ड्स हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे कि हॉर्स का फेमिनिन क्या होता है, फॉक्स का फेमिनिन क्या होता है। इज दैट क्लियर? और इसका एक और रूल है वो भी देख लेते हैं। बाई प्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर, यानी कि हम कोई वर्ड या तो पहले लगा दें मैस्कुलिन वर्ड के या बाद में लगा दें तो उससे चेंज हो जाएगा फेमिनिन में। जैसे लैंड लॉर्ड है तो लैंड लेडी, यानी कि हमने पीछे चेंज कर दिया है, लॉर्ड की जगह क्या कर दिया है, लेडी कर दिया है। पीकॉक, पीकॉक आपका कैसा है, मैस्कुलिन जेंडर है और हमने इसको लिख दिया है पी हैन, यानी कि कॉक की जगह हमने हैन लगा दिया है। इज दैट क्लियर? ऐसे ही आपके और वर्ड्स हैं जैसे ग्रैंडफादर, मिल्कमैन, ग्रेट अंकल का ग्रेट आंट हो गया, मिल्कमैन का मिल्क वूमैन हो गया, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर हो गया, वॉशरमैन का वॉशर लेडी या वॉशर वूमैन हो गया। तो कुछ वर्ड्स आपको आगे पीछे भी चेंज करने पड़ सकते हैं लेकिन ये सारे रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे तभी आप चेंज कर पाएंगे। फिर आपका लास्ट रूल है बाई एडिंग आई एन ई। पहले हमने जोड़ा था ई डबल एस, अब हम जोड़ेंगे आई एन ई। फॉर एग्जाम्पल हीरो का हमने क्या कर दिया, हीरोइन, या फिर ए जोड़ेंगे तो सुल्तान का क्या हो जाएगा, सुल्ताना। इज दैट क्लियर? सिग्नोर का क्या हो गया, सिग्नोरा। तो आपको ये सारे रूल्स लर्न करने पड़ेंगे तभी आप मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज कर पाएंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।